नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, शिव भक्त कपोतक ने बताया कि पूर्व जन्मों का हिसाब हमें कैसे चुकाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो आप इस कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह छोटी सी कथा आपके जीवन को बहुत बड़ी सीख देने वाली है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, किसी खूबसूरत से गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर था। मंदिर के चारों तरफ फल फूल के पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिसमें स्वादिष्ट मीठे रसीले फल होते थे। सुगंधित फूल और पक्षियों की चहचहाट से वह मंदिर और भी ज्यादा शोभामान प्रतीत होती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, शिव भक्त कपोत अपनी पत्नी के साथ आम के पेड़ पर बैठा था। तभी कपोतक की पत्नी कपोतक से कहती है कि पिया जी, आज मैंने सुना कि मंदिर के पुरोहित जी एक यजमान से कह रहे थे कि पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से जल्दी छूट नहीं पाता। पिया जी, मैं उन पुरोहित की बात को सुनकर बहुत ही विचलित हो गई हूँ। यह जन्म मरण का चक्कर क्या होता है? इस पर कपोतक कहता है कि प्रिय, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। कपोतक बोलता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, हीरानगर में एक फल का व्यापारी रहता था जिसका नाम दीपू था। जब दीपू निर्धन था, तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी। फल का व्यापार करके उसे जो भी मुनाफा होता, उसी में वह और उसका छोटा सा परिवार खुश रहता था। वह क्षमता अनुसार जरूरतमंद की सहायता भी करता था, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। कपोतक बोलता है कि धन की तृष्णा ऐसी होती है कि जितना अधिक धन मिले, उतनी ही ज्यादा धन की तृष्णा बढ़ती चली जाती है। दीपू सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कि मैं कुछ ही दिनों लाखों रुपए जमा कर लूं। पहले वे रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आँखें खुल गई थी, अब वे साधु संत की सेवा में लगे थे, उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई आग ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, उनका अंतरात्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। दोस्तों, यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थी, जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते थे जैसे बुढ़ापा युवावस्था को परास्त कर देता है। जब भी दीपू के द्वार पर कोई साधु संत आता, तो उसके चेहरे पर खुशी छा जाती थी, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा ना रहती थी। एक बार की बात है, संध्या के बाद दीपू के द्वार पर एक बूढ़ा सन्यासी आकर रुका और बोला, बेटा, रात काटने के लिए सन्यासी को स्थान मिल जाएगा। सन्यासी का मुख संतोष की मूर्ति था और आँखें अमृत के कटोरे। दीपू का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, बाबा, आप जैसे सन्यासी की सेवा करना तो परम सौभाग्य की बात है। फिर सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे पुरुष कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। दीपू का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, हे सन्यासी महाराज, अगर हम साधु संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? सन्यासी कमरे में दाखिल हुए, दीपू ने उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने चने की दाल, बासमती चावल, घी की पूरी, मीठा खीर, पांच तरह की सब्जियां, सलाद और रायता बनाया और बूढ़ा सन्यासी के आगे परोस दिया। दीपू भले ही इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस बूढ़े सन्यासी की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए, जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं
चलती रही अंत में दीपू ने पूछा, महाराज आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा, अब अपना परलोक सुधारने का भी कुछ उपाय कर लूं, कुछ हरी भजन भी तो करना चाहिए। हरी कृपा से बहुत रुपया कमाया, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या, सभी अपने गृहस्थ जीवन में खुश है, अब मैंने अपना रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। दीपू ने सन्यासी की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? सन्यासी ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह कमंडल देखते हो, इसमें मैंने 500 सोने के सिक्के डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते सन्यासी को नींद लग गई, लेकिन दीपू की नींद उड़ चुकी थी। वे बार बार कमंडल को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। दीपू ने कमंडल उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से सचेत किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। दीपू ने कमंडल खोली और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह सन्यासी अमरनाथ के लिए तैयार हो गया। दीपू का दिल धड़क रहा था, उन्हें डर था कि कहीं सन्यासी को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन सन्यासी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। सन्यासी हंसते हुए बातें कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय दीपू ने कहा, सन्यासी महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा है, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। सन्यासी ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। कहकर सन्यासी चला गया। दीपू के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे सन्यासी के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। दीपू का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के गर्भ में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर सन्यासी महाराज अमरनाथ पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए हो। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूँ जिसमें महादेव के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 5,000 में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। सन्यासी महाराज ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सारा प्रबंधन कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं, तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। ऐसा कहते हुए सन्यासी ने अपनी कमंडल की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और अमरनाथ में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है। जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर सन्यासी का मन सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में झूमने लगा। सन्यासी प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई, सन्यासी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और कमंडल को खोलकर देखा। कमंडल के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए।
पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखा हलवाई को। हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। सन्यासी कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सन्यासी में इतनी सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब सन्यासी ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। सन्यासी ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत दरवाजा पर खड़ी थी। सन्यासी की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ से परास्त कर दिया। सन्यासी का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। सन्यासी फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। सन्यासी तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। एक साल के भीतर ही दीपू के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। दीपू ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन दीपू ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, दीपू की कामनाएं बढ़ती जाती हैं। दीपू का बालक बहुत ही सुशील था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। दीपू यह सुनकर फूले ना समाते। उसकी शरारतें और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। बालक स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। दीपू यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस सन्यासी बाबा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती, तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था, कि मैं ने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय वापस उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 500 मोहरे को रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि दीपू उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहर अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और दीपू का बेटा अब 18 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, दीपू अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर वे एक धर्मशाला में ठहरे। वहाँ दीपू को पता चला कि उनके बेटे की प्रकृति सन्यासी जैसी थी। वह दिन रात सन्यासी के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता, उसकी मदद करता। इसे देखकर दीपू बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। बेटे का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु बेटे के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार संध्याकाल की बात है, दीपू का बेटे अमरनाथ में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, बाबा आप रोते क्यों हो? क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है, फिर भी बताओ तो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से लड़के की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लड़का कुछ देर तक चुप रहा। उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर लड़के ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है तुम
है। जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 5,000 का कर्ज है। लड़का फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। लड़का भागता हुआ धर्मशाला में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी, उसका मन व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। लड़के का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। लड़के पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। लड़के के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका मन खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें दीपू ने कभी एक बूढ़े सन्यासी से चुराया था। मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 निकली। लड़के का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कि वह कभी ना भागा हो। लड़के ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे। रात का समय था और वह अभी बैठे ही थे कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। लड़का बहुत साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गई। दीपू ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। जब दीपू ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु बेटे के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और बेटे की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। फिर कबूतर कहते हैं, हे प्रिय, कहानी सुनने के बाद आपने तो समझ लिया होगा कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। वास्तव में वह सन्यासी जिसकी मोहर दीपू ने चुराई थी, वह सन्यासी ही दीपू के बेटे के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हीं सोने की मोहरों को दीपू से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया, जो पहले सन्यासी के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुकाया, लड़के के प्राण निकल गए। सन्यासी ने उस हलवाई को अपना पूर्वज कर्ज चुका दिया और दीपू के लिए उनका यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोते रहा।